हेलो दोस्तों, आज हम सीखें SSC CGL और RRB NTPC रीजनिंग और MPPC करंट अफेयर्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों अपन शुरुआत करने वाले हैं। देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल किस देश में है? सबसे ऊंचा रेत महल किस देश में है दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों डेनमार्क। सही ऑप्शन इसका डेनमार्क हो जाएगा। नेक्स्ट है, पोलैंड की भारत की अगली राजदूत किसे बनाया गया? तो दोस्तों नगमा मलिक को। किससे बनाया गया? नगमा मलिक को। सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों नगमा मलिक को। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखने वाले हैं दोस्तों। देखिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सत्यदेव नारायण किस राज्य के राज्यपाल बने? सत्यदेव नारायण किस राज्य के राज्यपाल बने? तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है दोस्तों। सत्यदेव नारायण किस राज्य के राज्यपाल बने? तो ये है दोस्तों त्रिपुरा के। किसके बने दोस्तों? त्रिपुरा के बने। सी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, थावरचंद गहलोत किस राज्य के राज्यपाल बने? थावरचंद गहलोत किस राज्य के राज्यपाल बने? दोस्तों ये बने कर्नाटक के। बी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, कर्नाटक के राज्यपाल बने। नेक्स्ट है, पाँचों प्रश्न आपके सामने दोस्तों। भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, के के वेणुगोपाल। सही ऑप्शन इसका के वेणुगोपाल। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखेंगे दोस्तों अगला, पांच के बाद छठा प्रश्न देखते हैं अपन। देखिए छठा प्रश्न ये रहा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। देखिए तो छठा प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन कौन है? भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन कौन है? तो सही ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों इसका, दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर सातवां रहेगा दोस्तों आप सामने, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, कौन है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। सातवां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों M. वेंकैया नायडू। राज्यसभा का सभापति हो दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति। तो सही ऑप्शन है दोस्तों इसका M. वेंकैया नायडू। प्रश्न नंबर आठवां देखिए दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? लोकसभा अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो आप अपना आंसर टाइप कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको मिलता है 2 सेकंड का समय। लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों ओम बिरला। सही ऑप्शन आपका ओम बिरला। सही ऑप्शन आपका ओम बिरला। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, नौवां क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। नौवां क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, देखिए नीति आयोग के सीईओ कौन है? नौवां प्रश्न, नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो सही ऑप्शन दोस्तों इसका अमिताभ कांत। ए ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, अमिताभ कांत। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों दसवां प्रश्न देखिए, भारत के नए रेल मंत्री कौन है? भारत के नए रेल मंत्री कौन है? तो आप अपना आंसर कमेंट कीजिए, टाइप कीजिए, आपको आंसर आपको मिलता है 2 सेकंड का समय। भारत के नए रेल मंत्री कौन है? तो चार ऑप्शन में सही ऑप्शन दीजिए आप। तो सही आपका समय समाप्त हुआ। सही ऑप्शन है आपका अश्विनी वैष्णव। सही ऑप्शन आपका अश्विनी वैष्णव। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 11, भारत के नए खेल मंत्री कौन बने? भारत के नए खेल मंत्री कौन बने? आपको मिलता है 2 सेकंड का समय, आप अपना आंसर टाइप कीजिए, कॉपी में लिखते जाइए कितने आप प्रश्नों का आप सही आंसर दे पाते हैं। और बिल्कुल अपना स्कोर जानने के लिए तैयार रहिए दोस्तों। इस वीडियो में लेंगे हम 25 प्रश्न। कितने लेंगे? 25 प्रश्न। तो भारत के नए खेल मंत्री कौन बनेंगे दोस्तों? 11 प्रश्न आपके सामने, अनुराग ठाकुर। सी ऑप्शन अनुराग ठाकुर। सही ऑप्शन इसका अनुराग ठाकुर। और नेक्स्ट वीडियो आप देखें आगे। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं। देखिए 11 हो गया, 12 प्रश्न आपके सामने ये रहा स्क्रीन के ऊपर। 12 प्रश्न ये रहा। देखिए भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? 12 प्रश्न आपके सामने, भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो आप अपना आंसर टाइप कीजिए, कमेंट कीजिए, कौन सा आंसर आप सही देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका समय समाप्त हुआ। यदि आपने बी आंसर लगाया है तो बिल्कुल सही आंसर ज्योतिरादित्य सिंधिया। भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन बने? ज्योतिरादित्य सिंधिया। नेक्स्ट प्रश्न आपके आएगा,
भारत के नए सहकारिता मंत्री कौन बने? भारत के नए सहकारिता मंत्री कौन बने? तो 13 प्रश्न उत्तर आप दीजिए, कमेंट कीजिए, आपको मिलते हैं 2 सेकंड। भारत के नए सहकारिता मंत्री कौन बने दोस्तों? 13 प्रश्न आपके सामने रहेगा और आपने अपना आंसर टाइप कर दिया होगा। यदि आपने डी आंसर टाइप किया है बिल्कुल राइट आंसर, अमित शाह। भारत के नए सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। नेक्स्ट प्रश्न आप पर आएगा 14वां प्रश्न, भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन है? भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन होगा दोस्तों? आप अपना आंसर टाइप कीजिए, आपको मिलता है 2 सेकंड का समय। भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने? अभी हाल वर्तमान 2021 में कौन बने? मोदी मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है उसमें कौन बने भारत के नए शिक्षा मंत्री? पूर्व में थे रमेश पोखरियाल, तो अभी कौन बने? तो आपने अपना आंसर टाइप कर दिया होगा, कमेंट भी कर दिया होगा। तो सही ऑप्शन बताने जा रहा आपको दोस्तों, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान। नए शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। थैंक यू। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन आगे, 14 के बाद ये रहा आपके 15 नंबर क्वेश्चन आ गया आपके सामने, 15, 16, 17 तीन प्रश्न आपके सामने आ गए। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने 15 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। देखिए इस प्रश्न में आपके बताया गया है, देखिए और हाँ, मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने? मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप अपना आंसर टाइप कीजिए। तो आपने अपना आंसर टाइप कर दिया होगा, तो सही ऑप्शन दोस्तों इसका ए, यदि आपने ए लगाया तो बिल्कुल राइट आंसर, मंगूभाई छगन भाई पटेल, मंगूभाई छगन भाई पटेल। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है आपके 16 नंबर प्रश्न आपके सामने प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न। देखिए DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने? DRDO के अध्यक्ष कौन बने? ये 4 ऑप्शन हम सामने दिख रहे हैं आपको स्क्रीन के ऊपर, DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने? तो 4 ऑप्शन में आप अपना आंसर कमेंट कीजिए, और आपने अपना आंसर कमेंट कर दिया होगा। और जी हाँ दोस्तों, आपने कौन सा आंसर लगाया है? जी हाँ दोस्तों, यदि आपने सी आंसर लगाया तो बिल्कुल राइट आंसर, सतीश रेड्डी जी, सतीश रेड्डी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा जी, सतीश रेड्डी। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आएगा दोस्तों 17 नंबर प्रश्न। देखिए भारतीय जनजाति मंत्री कौन बने? भारत के जनजाति मंत्री कौन बने? 4 ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट कीजिए कौन सा आंसर सही होगा। तो भारतीय जनजाति के मंत्री कौन बने? तो आपका सही आंसर होगा दोस्तों ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा, यदि आपने ए आंसर लगाया तो बिल्कुल राइट आंसर आपका अर्जुन मुंडा। और नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आप आगे, तो 17 के बाद 18 नंबर का प्रश्न अपना रहेगा ये वाला, 18 वाले प्रश्न की देखते हैं। देखिए भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन बने? कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन बने? 18 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन बने? तो आप अपने आंसर टाइप कर दिया होगा, तो स्पीड से अपने आंसर टाइप कीजिए आपको। देखिए दोस्तों 18 नंबर का सही आंसर होगा दोस्तों डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। प्रश्न नंबर 19 को देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए भारत के गुडविल एम्बेसडर कौन बने? टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए भारत के गुडविल एम्बेसडर कौन बने? तो आपका सही ऑप्शन हो गया दोस्तों ए वाला, सौरभ गांगुली। गुडविल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? सौरभ गांगुली। और प्रश्न नंबर 20 रहेगा आपके, सीमांत गांधी के नाम से किसे जानते हैं? तो 4 ऑप्शन आपके सामने सही नहीं दिख रहे हैं, अभी अपने प्रश्न को ऊपर खिसकाते हैं। देखिए तो 20 नंबर का प्रश्न आपके सामने ये रहा स्क्रीन के ऊपर, देखिए सीमांत गांधी के नाम से किसे जानते हैं आप? सीमांत गांधी के नाम से किसे जानते हैं? 4 प्रश्न आपके सामने है, तो सीमांत गांधी के नाम से सही ऑप्शन आपको रहेगा खान अब्दुल गफर खान। खान अब्दुल गफर खान डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है 21 वाला प्रश्न, देखिए भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था? आपको मिलते 2 सेकंड का समय। 2003 और 4 में एक, 3-4 में एक
भोपाल में गैस कांड हुआ था और किस गैस का रिसाव हुआ था जिसमें हजारों लोग मर गए थे? तो सही ऑप्शन दोस्तों इसका सी, मिथाइल आइसो साइनाइड। यह भी आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सी बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अब डी वाला प्रश्न 22 नंबर देखिए, फल को पकाने में कौन सा आर्वंश उपयोग किया जाता है? फल को पकाने में कौन सा आर्वंश उपयोग किया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने है, तो सही ऑप्शन दोस्तों इसका बी, एथिलीन। सही ऑप्शन इसका बी, एथिलीन हो जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, एथिलीन। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22 हो गया, 23, 24, 25 तीन ऑप्शन आपके सामने और आ गए हैं। और मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? 23 वाला प्रश्न, मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से? तो सही ऑप्शन दोस्तों इसका बिहार राज्य से। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बिहार राज्य से। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? 24 वाला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? ये भी आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए MPSC SSC के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों अकबर। सही ऑप्शन इसका अकबर। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस कब मनाया गया? हाल ही में राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस कब मनाया गया? सही ऑप्शन दोस्तों इसका 9 जुलाई। 9 जुलाई बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो थैंक यू दोस्तों, इस तरह आपको प्रश्न अच्छे लगे तो लाइक करें और दोस्तों शेयर भी करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और 25 प्रश्न आपके समाप्त हो चुके हैं और अधिक से अधिक वीडियो शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।